आज आला की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात आला बुंदेलखंड ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान के रूप में जाने जाते हैं। आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा आला में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर अवतार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इनका संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है। आला दशराज के पुत्र थे। दशराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। आला बचपन से ही देवी माँ के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। बाद में आला भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। आला की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमादि देव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और आला उदल यानी दो भाइयों के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला का भाई उदल मारा गया। आला अपने छोटे भाई उदल की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आला के सामने जो आया वो मारा गया। लगभग एक घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आला आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आला ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि माना जाता है कि आला ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। यह युद्ध आला के जीवन का आखिरी युद्ध था। हालांकि इतिहास में आला के बारे में तकरीबन 52 लड़ाइयां लड़ने के सबूत हैं, जो शायद ही कोई योद्धा लड़े। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद आला ने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। राजा परमल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया तो आला ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल लिया था और वहीं माँ शारदा के मंदिर में जाकर वो पूजा किए। कहा जाता है कि आला को माँ ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आला ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा कर ही नहीं पाया है। लोगों का कहना है कि आज भी आला माँ शारदा की पूजा अर्चना करने रोज रात को आते हैं। इसके सबूत भी मिलते हैं। इतिहास में आला के युद्ध पराक्रम के और भी किस्से हैं। एक बार तो आला राजा से रुष्ट होकर चले जाते हैं। चलते चलते राजा जयचंद के राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा जयचंद भी उनकी वीरता के कायल थे। उन्होंने वहाँ आला को सम्मान दिया, महल में ठहराया और बाद में अपना सेनापति भी बनाया। यहाँ भी आला की तलवार उनके काम आई थी। उत्तर भारत से लेकर काबुल तक आला ने कई राजाओं से युद्ध करके 52 किले जीते। बुंदेली इतिहास में आला का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आला का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव और हर गली में गाया जाता है। आला बुंदेलखंड के ऐसे पराक्रमी वीर हुए जिनसे युद्ध में तलवारें भी हार गई हैं। इनकी वीरता के किस्से जब किसी गली मोहल्ले में होते थे तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति के भी खून में उबाल आ जाता था। बड़े लड़ैया आला उधर जिनसे हार गई तलवार। वीरता के प्रतिबिंब यकुदुल केसरी महायोद्धागण आला को उनके जयंती पर सादर नमन एवं वंदन है।